गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आई होप यू आर फंटेस्टिक। आई प्रियंका वेलकम टू ऑल ऑन ऑनलाइन ईवीएस क्लास एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू कवर लास्ट डे ऑफ यूनिट 4, वेस्ट अर्थ एंड इट्स मूवमेंट्स। यस्टरडे वी सॉ हाउ इंडिया एक्सपीरियंसेस सीजंस। इफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग समर, व्हाट डू यू थिंक इज द सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर? यस, इट विल एक्सपीरियंस विंटर। ओके, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था कि जो सीजन्स की फॉर्मेशन होती है, तो जो हिस्सा हमारा अर्थ का सन की तरफ रहता है, वहां पर हमारा समर सीजन होता है, और जो अपोजिट होता है, अवे फ्रॉम द सन होता है, वहां पर विंटर। ओके, तो जो ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है वहां पर समर होता है, जो कम सनलाइट रिसीव करता है वहां पर विंटर होता है। ओके, Now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Seasons on Earth. The Earth rotates on its own axis, which has a slight tilt. जो Earth है वो अपनी खुद की axis पर rotate करती है, और जो axis है वो 23.5 degree के angle पर झुकी होती है. It takes 24 hours to complete one rotation. और Earth को अपनी axis के चारों तरफ वन रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। द अर्थ रिमेन्स टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन ऑल ईयर अराउंड एज वी ऑर्बिट द सन। और जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर हमेशा टिल्टेड रहती है, झुकी हुई रहती है। ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑल्सो द अर्थ ऑर्बिट्स द सन। इट टेक्स द अर्थ वन ईयर टू कंप्लीट एन ऑर्बिट। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, और इसको वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वन ईयर लगता है। ओके, कैन यू टेल मी इन इंडिया व्हाट सीजन इज इट इन दिसंबर, एंड इन इंडिया व्हाट सीजन इज इट इन जून? जून में कौन सा सीजन होता है इंडिया में, और दिसंबर में कौन सा सीजन होता है? यस, सीजन इन जून समर सीजन। नाउ द सीजन्स, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, ये हमारे फोर मेन सीजन्स होते हैं। ऑटम सीजन को हम फॉल भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर, कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, सबसे ज़्यादा ठंड होती है विंटर में। देन स्प्रिंग, बिटवीन विंटर एंड समर, विंटर जब हमारी ख़त्म होने को होती है तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है, और फिर समर आ जाती है। तो विंटर और समर के बीच का जो टाइम होता है वो स्प्रिंग सीजन का टाइम होता है, एंड द टेम्परेचर स्टार्ट्स वार्मिंग अप, जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। नाउ द समर, हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है ड्यूरिंग समर। आफ्टर दैट फॉल, और यू कैन से ऑटम, बिटवीन समर एंड विंटर, यानी कि समर और विंटर के बीच का जो टाइम होता है वो ऑटम सीजन होता है, जो कि अब चल रहा है। सितंबर में जो है वो हमारा ऑटम सीजन चलता है। द टेम्परेचर स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, और जो धीरे धीरे टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। ओके, इन दिसंबर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स अवे फ्रॉम द अर्थ, so it receives less sunlight. The southern hemisphere is tilted towards the sun, so it experiences summer. India is in the northern hemisphere, so it experiences winter in December. You can see in the picture, यहाँ पर इंडिया में दिसंबर में सर्दी होती है, क्योंकि जो हमारा hemisphere है वो away from the sun चला जाता है, तो यहाँ पर लेस अमाउंट में जो सनलाइट है वो रिसीव होती है। सो दैट्स वाई इन इंडिया दिसंबर में विंटर सीजन एक्सपीरियंस होता है। ओके, इन मार्च द सन शाइन्स इक्वली ऑन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। मार्च में दोनों ही हेमिस्फीयर पर इक्वल अमाउंट में जो सनलाइट है वो रिसीव होती है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस स्प्रिंग एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग हॉटर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर स्प्रिंग सीजन होगा, एंड द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम, और यू कैन से फॉल, एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग कोल्डर, और यहाँ पर हमारा ऑटम सीजन होता है। अंडरस्टैंड?
जून में समर सीजन एक्सपीरियंस होता है. ओके, इक्वली ऑन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग कोल्डर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग वार्मर. तो अब यहाँ पर जो ऑटम सीजन है वो शुरू हो जाता है इन सेप्टेम्बर इन इंडिया, और सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पर स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है. ओके, व्हेन इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, व्हेन इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो वी कैन से दैट कि जो हमारे हेमिस्फीयर होते हैं उनमें जो हमारे सीजन्स होते हैं वो अपोजिट में एक्सपीरियंस होते हैं. अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर एक्सपीरियंस होता है. ओके, कैन यू टेल मी व्हाई डू वी सी अपोजिट सीजन्स ऑन अर्थ इन द टू हेमिस्फीयर्स? जो टू हेमिस्फीयर्स होते हैं उनमें हमें अपोजिट सीजन्स क्यों दिखते हैं? यस, वन हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू द सन एंड रिसीव्स मोर लाइट एंड अनदर हेमिस्फीयर रिसीव्स लेस सनलाइट. सो दैट्स व्हाई वन जो हेमिस्फीयर है वहां पर समर होता है और जो सेकेंड हेमिस्फीयर होता है वहां पर विंटर होता है. ओके, नाउ यू विल ओपन SR13. आई होप यू हैव ओपन. लेट्स स्टार्ट. Let us take a country marked with the red point, which is in the northern hemisphere, as an example and see how we experience different seasons. कोई भी country हम mark कर लेते हैं red point से, और जो किस hemisphere में है, northern hemisphere में है, तो अब हम देखेंगे कि वहाँ पर जो different different seasons हैं वो कैसे experience होते हैं. Now first of all in December, दिसंबर में क्या होगा? As you can see, the northern hemisphere is away from the sun and gets less sunlight, so it experiences winter. The southern hemisphere experiences summer. You can see here कि ये जो red color का आपको dot दिखाई दे रहा है ये हमारा northern hemisphere में है, तो इस के ऊपर इस hemisphere में जो sunlight है वो कम receive हो रही है, so that's why यहाँ पर सर्दी है. और जो उसका अपोजिट वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में समर एक्सपीरियंस हो रहा है. नाउ यू कैन सी इन द मार्च एज अर्थ रिवॉल्व्स एंड चेंजेस इट्स पोजीशन अराउंड द सन शाइंस इक्वली ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द कंट्री एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग. यानी कि जैसे जैसे जो अर्थ है वो घूमती है सन के चारों तरफ तो उसकी पोजिशन चेंज होती है, और जैसे जैसे उसकी पोजिशन चेंज होती है तो जो सन है अब इस डायरेक्शन में और जो अर्थ दोनों इस पोजीशन पर आ गए हैं कि दोनों के ऊपर इक्वल जो अमाउंट है सन की वो रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर अब स्प्रिंग सीजन एक्सपीरियंस हो रहा है. ओके, नाउ द जून, एज यू कैन सी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड गेट्स मोर सनलाइट सो इट एक्सपीरियंसेस समर. द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर. अब आप इसमें देख सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसके ऊपर सनलाइट अब ज़्यादा आ रही है, सो दैट्स वाई अब यहाँ पर समर होगा. और जो पार्ट हमारा अपोजिट में हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ समर एक्सपीरियंस होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ हमारा जो विंटर है वो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अब जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो किसकी डायरेक्शन में आ गया है? यस, सन के पास आ गया है. नाउ इन सेप्टेम्बर एज अर्थ रिवॉल्व्स एंड चेंजेस इट्स पोजीशन अराउंड द सन शाइंस इक्वली ऑन द सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द कंट्री नाउ एक्सपीरियंसेस ऑटम. और अब जब दोबारा से जो हमारा सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर इक्वल अमाउंट में जो सनलाइट रिसीव हो रही है तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा सीजन होगा? ऑटम सीजन. अंडरस्टैंड? कैन यू टेल मी
Which season will we experience in the northern hemisphere in December? Yes, winter. And which season will we experience in March when the sun shines equally in both the hemispheres? Yes, spring season. Why do we experience summers in June in the northern hemisphere? Because it is tilted towards the sun. Why do we experience autumn in September in the northern hemisphere? Yes, because Earth changes its position and sun shines equally in both the hemispheres. Now you will open worksheet number 13. I hope you have opened. You will complete worksheet number 13 just now. I'm giving you 10 minutes to complete it. After that, we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's check the answers. Let's start. Question number 1. What kind of temperatures would you expect if an area is getting less sunlight? अगर किसी जगह पर कम सनलाइट रिसीव हो रही है तो आप किस टाइप का टेम्परेचर वहाँ पर सोचते हो कि कहाँ वहाँ किस टाइप का टेम्परेचर होगा? आई एक्सपेक्ट एन एरिया टू बी कोल्ड इफ़ इट इज़ गेटिंग लेस सनलाइट। वो जो एरिया होगा वहाँ पर ठंड होगी क्योंकि वहाँ लेस सनलाइट रिसीव हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई देयर आर यूजुअली माइल्ड टेम्परेचर्स ड्यूरिंग मार्च एंड सेप्टेम्बर। मार्च एंड सेप्टेम्बर में माइल्ड टेम्परेचर क्यों होता है? देर आर यूजुअली माइल्ड टेम्परेचर्स ड्यूरिंग मार्च एंड सेप्टेम्बर बिकॉज इन दीज मंथ्स अर्थ चेंजेस इट्स पोजिशन अराउंड द सन, सन शाइन्स इक्वली ऑन सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए वहाँ पर माइल्ड टेम्परेचर होता है। दोनों ही हेमिस्फीयर में इक्वल अमाउंट में जो सनलाइट है वो रिसीव होती है इन मार्च एंड सेप्टेम्बर। Now question number 3, answer the questions using the diagram given below. Label the diagram. You will draw this diagram in worksheet number 13. यहाँ sun है, यहाँ earth है. Earth is tilted on its axis 23.5 degree angle पर. You can see here, यहाँ day time है, यहाँ night time है. Summer और winter है. समर और विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑर्बिट। नाउ यू विल ओपन योर स्टूडेंट रीडर SR नंबर 14। आई होप यू हैव ओपन। लेट्स स्टार्ट। Solar and lunar eclipse. Introduction. We know that Earth revolves around the sun and the moon revolves around the Earth. हम जानते हैं कि जो Earth है वो sun के चारों तरफ घूमती है और जो moon है वो Earth के चारों तरफ घूमता है. So in effect both Earth and moon are revolving around the sun. तो जो Earth और जो moon है वो दोनों ही सन के अराउंड घूमते हैं। ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन समटाइम्स ऑल थ्री कम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट अ शेडो ऑन ईच अदर। दिस क्रिएट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन कॉल्ड एन एक्लिप्स। यानी कि जब घूमते घूमते एक टाइम ऐसा भी आता है जब अर्थ, सन और मून तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं और वो एक शेडो कास्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो मून है मून की शेडो अर्थ पर पड़ रही है और जो अर्थ की जो परछाई है वो मून पर पड़ रही है। शेडो मीन्स परछाई, शेडो। और इसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स। ओके, जिसको हम ग्रहण कहते हैं, एक्लिप्स। एक्लिप्स मीन्स हाइडिंग। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? हाइडिंग, छिपना। इट हैपन्स वेन ईदर द सन और द मून अपियर्स हिडन टू समवन ऑन अर्थ। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स। जो एक्लिप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सोलर एंड
लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं ना जैसे, तो सूर्य ग्रहण को हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स और चंद्र ग्रहण को हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स. अंडरस्टैंड? नाउ द सोलर एक्लिप्स. अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ. सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून अर्थ के और सन के बीच में आ जाता है. ऑन द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द शेडो ऑफ द मून फॉल्स पीपल कैन नॉट सी द सन और द सन इज हिडन फ्रॉम देम. दिस इज कॉल्ड अ सोलर एक्लिप्स. जब सोलर एक्लिप्स होता है तो जो लोग हैं वो सन को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो सन है वो छिप जाता है, क्योंकि जो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है. सो दैट्स वाई यहाँ पर अब सोलर एक्लिप्स होता है, जब सन मून और अर्थ तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और फिर वो शेडो कास्ट करते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ द लूनर एक्लिप्स. अ लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून. लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ सन के और मून के बीच में आ जाती है. यू कैन सी हियर, अर्थ जब सन के और मून के बीच में आ जाती है तो लूनर एक्लिप्स होता है. अर्थ ब्लॉक्स रेज ऑफ द सनलाइट. और अब अर्थ जो है वो सनलाइट की रेज को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है फ्रॉम रीचिंग द मून, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो मून के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है. फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ द मून इज हिडन ऑन अर्थ्स शेडो. तो अब जो मून है वो हाइड हो जाता है, छिप जाता है. दिस इज कॉल्ड अ लूनर एक्लिप्स. यू कैन सी इन द पिक्चर, अब जो मून है वो बिल्कुल हमारा छिप चुका है. शेडो ऑन मून यू कैन सी. तो यहाँ पर हमारा कौन सा एक्लिप्स हो रहा है? लूनर एक्लिप्स. अंडरस्टैंड? वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. So in effect, both Earth and Moon are revolving around the Sun. During this revolution, sometimes all three come in straight line and cast a shadow on each other. This creates a very interesting phenomenon called the eclipse. हमने क्या पढ़ा कि जो Earth है वो revolve करती है around the Sun और जो Moon है वो revolve करता है around the Earth. तो दोनों ही किसके चारों तरफ घूमते हैं? यस, सन के. तो जब ये रिवॉल्व करते हैं, चक्र लगाते हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब ये तीनों ही हमारे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. तो जब ये स्ट्रेट लाइन में आते हैं ये कोई ना कोई पार्ट हाइड कर लेते हैं, और जब वो हाइड करते हैं किसी एक पार्ट को तो वहां पर शेडो कास्ट होती है. तो वो जो शेडो जब कास्ट होती है तो वहां एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है. व्हाट इज दैट? दैट इज एक्लिप्स. नाउ यू विल ओपन वर्कशीट नंबर 14 एंड वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वर्कशीट नंबर 14. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एन एक्लिप्स? व्हाट इज द रीजन फॉर एन एक्लिप्स टू टेक प्लेस? एक्लिप्स क्या होता है और एक्लिप्स क्यों होता है? एक्लिप्स मीन्स हाइडिंग. एक्लिप्स का मतलब होता है हाइड करना, छिपना. द रीजन फॉर एक्लिप्स इज दैट सन मून एंड अर्थ ऑल कम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट अ शेडो ऑन ईच अदर. एक्लिप्स मीन्स हाइडिंग. और इसका जो मेन रीज़न है एक्लिप्स होने का वो क्यों होता है? क्योंकि जब सन मून और अर्थ तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और वो शेडो की फॉर्मेशन जब करते हैं, सो वॉट इज दैट? दैट इज एक्लिप्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेबल द डायग्राम ऑफ द सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स गिवन है, यहाँ पर आपको डायग्राम को लेबल करना है. फर्स्ट वन सन है और जो मून है वो बीच में आ जाता है ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स. एंड जो अर्थ है, अर्थ के और सन के बीच में मून आ जाता है. सोलर एक्लिप्स एट द दिस पॉइंट यू कैन सी हियर, यहाँ पर सोलर एक्लिप्स होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज अ सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस? व्हाट
हैपन इन अ सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स कब होता है और सोलर एक्लिप्स के दौरान क्या होता है? सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. जब मून सन के और अर्थ के बीच में आ जाता तो सोलर एक्लिप्स होता है. ऑन द अर्थ वेयर द शेडो ऑफ द मून फॉल्स पीपल कैन नॉट बी सीन द सन और द सन इज हिडन फॉर पीपल ऑन अर्थ. मीन्स जो अर्थ है जहाँ पर शेडो बनती है मून की, तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है हमें और सब कुछ छिप जाता है. ओके, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. वी डिस्कस्ड हाउ सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स इज फॉर्म्ड. सोलर एक्लिप्स कब होता है? व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. जब मून सन के और अर्थ के बीच में आ जाती है तो वहां पर सोलर एक्लिप्स होता है. एंड ऑल थ्री आर इन द सेम लाइन, और तीनों ही हमारे सेम लाइन में आ जाती हैं. एंड ल्यूनर एक्लिप्स हमारा कब होता है? व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून. जब हमारी अर्थ सन के और मून के बीच में आ जाती तो ल्यूनर एक्लिप्स होता है. एंड ऑल थ्री आर इन द सेम लाइन. इस सिचुएशन में भी हमारा जो सन है, मून है और अर्थ है, वो तीनों एक ही लाइन में होते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. यू विल रीड SR नंबर 13 एंड SR नंबर 14. ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग.